नमस्कार, संसार सागर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक। आज मैं आपको विकिपीडिया के बारे में बताऊंगा। यह विकिपीडिया क्या है और इस पर हम क्या करते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। यह क्या करता है, इसकी जानकारी, ये कैसे काम करता है और इस पर आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ये सारी जानकारी इस पर प्राप्त होगी। ये जानने के लिए आप मेरे ये वीडियो देखते रहिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल संसार सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा चैनल है संसार सागर। यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके आप मेरे चैनल संसार सागर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आप तक पहुँच जाएंगे। भविष्य में, फ्यूचर में जो भी नए वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, यदि आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम भविष्य में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूँ। जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, जिससे कि आप ही की तरह दूसरे लोगों को भी जानकारी मिले और वो भी सीख सकें। चलिए तो हम बात करते हैं विकिपीडिया की। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। यहाँ पर ऊपर एड्रेस बार दिया गया है, यहाँ पर टाइप कीजिए विकिपीडिया। यहाँ पर विकिपीडिया टाइप करने के बाद इंटर कर दीजिए और जैसे ही आप इंटर करते हैं एक पेज ओपन हो जाता है, जिसमें बहुत से ऑप्शन आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। विकिपीडिया, ये विकिपीडिया जो है इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये विकिपीडिया है। यहाँ पर हम विकिपीडिया पर कोई भी आर्टिकल सर्च कर सकते हैं। हम जिस चीज की जानकारी चाहते हैं उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ सर्च बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आप टाइप कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो आर्टिकल उपलब्ध होगा वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और विकिपीडिया की खासियत यह है कि आप इसमें जो भी आर्टिकल होता है आप चाहें तो उस आर्टिकल को एडिट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अपने मन से, अपनी मर्जी से एडिट करें। आपको उसके लिए प्रूफ देना होगा, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। इसमें एक टेम्पलेट होती है, एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में हमें आर्टिकल को टाइप करना होता है। विकिपीडिया पर जो भी आर्टिकल होते हैं वो कोई विशेष विद्वानों द्वारा नहीं लिखे जाते, बल्कि हम और आपके लोगों के द्वारा ही आर्टिकल लिखे जाते हैं। हाँ, आप और हम विद्वान हो सकते हैं,
लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह विकिपीडिया जो है वो उन लोगों के द्वारा लिखे आर्टिकल ही यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं, और उस आर्टिकल में हमें जब कभी ये लगता है कि इसमें ये भी होना चाहिए या हमें कोई जानकारी होती है कि इस आर्टिकल में प्रूफ के साथ ऐसा है, तो हम यहाँ पर उसे एडिट कर सकते हैं और प्रूफ दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो आर्टिकल विकिपीडिया में लिखा हुआ है, उस आर्टिकल में यदि आपको लगता है कुछ कमी है जो कि उसमें नहीं दी गई है और बाकी वो ऐसा है, तो आप प्रूफ के साथ एडिट कर सकते हैं, आर्टिकल में वो जोड़ सकते हैं। विकिपीडिया में बहुत सी लैंग्वेज होती हैं और उस लैंग्वेज में आप जो है आर्टिकल को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये विकिपीडिया का पेज है, यहाँ ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। यदि आपके पास इसका अकाउंट है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, और यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ बगल में लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ यूजर नेम देना होगा, यहाँ नीचे पासवर्ड लिखना होगा, उसके बाद नीचे दोबारा आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए, फिर यहाँ नीचे आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा, ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा दिया गया है, यहाँ इस बॉक्स में कैप्चा को टाइप करना होगा और फिर यहाँ क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका अकाउंट तैयार हो जाता है, और फिर आप इसमें कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं या जो आर्टिकल लिखे हुए हैं उसको एडिट कर सकते हैं प्रूफ देने के बाद। यहाँ पर विकिपीडिया का ये मेन पेज है, नीचे यहाँ कंटेंट दिए गए हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कंटेंट प्राप्त होते हैं। यहाँ नीचे ये लैंग्वेज दी गई है, आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में ये आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नीचे हिंदी दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आर्टिकल हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में आ जाते हैं। इसमें कुछ आर्टिकल होते हैं जिन्हें हम एडिट नहीं कर सकते। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लॉक बना हुआ है और ये जो है लॉक हमें शो करता है ये प्रोटेक्टेड के लिए कि आप इसे एडिट नहीं कर सकते। उसका रीजन, उसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे ये आर्टिकल किसी ने डाला हो और अभी वो आर्टिकल अपडेट नहीं हुआ हो या पब्लिश नहीं हुआ हो, कई कारण हो सकते हैं। आप चाहें तो विकिपीडिया को डोनेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर डोनेट टू विकिपीडिया ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर ये रुपीस 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 अदर जो भी आप चाहें वो यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। यहाँ आपको क्लिक करना होगा, ये ऑनलाइन आप डोनेट कर सकते हैं। विकिपीडिया के फाउंडर जेमी वैले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेमी वैले विकिपीडिया के फाउंडर हैं।
और विकिपीडिया की एक खास बात और है, ये यदि आपने इसमें अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो भी आप जो भी आर्टिकल इसमें लिखे हुए हैं उसको एडिट कर सकते हैं। उसमें भी आपको जो भी आप एडिट करने वाले हैं या जो एडिट करना चाहते हैं उसका प्रूफ आपको देना होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। जैसे यदि आपने कोई बुक में पढ़ा है और वो चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बुक का प्रूफ आपको देना होगा, या किसी वेबसाइट में आपने वो चीज़ पढ़ी है जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो जानकारी आपको है तो उसका लिंक आपको इसमें देना होगा। हाँ, लेकिन आप अपने मन से कोई भी चीज़ इसमें नहीं दे सकते। जब आपका अकाउंट इसमें नहीं होता है और आप इसमें कोई आर्टिकल में चेंज करते हैं तो आपका जो करंट आईपी एड्रेस होता है वो इसमें पब्लिश होता है, वो इसमें जो है मेंशन होता है, वो लोगों को दिखाई देता है, वो पब्लिक हो जाता है प्रूफ के लिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल संसार सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन या संदेश या सूचना आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।